कोटद्वार में सैनिकों के सम्मान में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से कोटद्वार के लिए कई घोषणाएं की, लेकिन लंबे समय से जिन घोषणाओं का इंतजार कोटद्वार की जनता को था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की मांग से लेकर मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग प्रमुख थी, उन पर मुख्यमंत्री खामोश दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लंबे समय से मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय की मांग कोटद्वार के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का इस पर कुछ न कहना कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के दावों की पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगाता हुआ प्रश्न चिन्ह की तरह नजर आ रहा है। जिस तरीके से हर बार वहाँ की जनता की उम्मीद थी कि केंद्रीय विद्यालय और मेडिकल कॉलेज की बात की जाएगी और सीएम धामी द्वारा ये सौगात कोटद्वार की जनता को दिया जाएगा, लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी इस सारी बातों पर, इन सारे प्रश्नों पर, मांगों पर वो चुप्पी साधे हुए थे, तो इसे लेकर के कई यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ कोटद्वार पहुंच उन्होंने बाकी कई योजनाओं के बारे में बताया, जनता को संबोधित भी किया, लेकिन जिस चीज का इंतजार कोटद्वार की जनता को लंबे समय से था वो काफी यहाँ पर नाखुश यहाँ की जनता होती नजर आई। जहां कोटद्वार में सैनिकों के सम्मान में सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। कि यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी आए, मैं कोटद्वार की जनता की तरफ से मैंने भी उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया, लेकिन मुझे इस मामले में बड़ी मायूसी उत्पन्न हुई है, क्योंकि कोटद्वार के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा यहाँ पे नहीं की है, जिसे आम जनता में एक संदेश गया है कि भाई मुख्यमंत्री जी आए कुछ करेंगे, केंद्रीय विद्यालय की सौगात देंगे, मेडिकल कॉलेज की सुविधा देंगे, कर्णाश्रम विकास के लिए कुछ कार्यक्रम करेंगे, लेकिन इस संबंध में आश्वासन खाली मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है। तो सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी से कोटद्वार की जनता ने कई उम्मीदें लगाई थी। उनकी उम्मीदें थी कि कोटद्वार की जनता को अब जो केंद्रीय विद्यालय की मांग उनके द्वारा की जा रही है, कॉलेज की मांग उनके द्वारा की जा रही है, उन मांगों पर चर्चा की जाएगी, उन मांगों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन वो घोषणाएं करते वहां पर नजर नहीं आए सीएम पुष्कर सिंह धामी।